Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the lecture 3 of Computer Graphics. In last class, we continued our introduction to computer graphics. And in that, we discussed ki visualization kya hai. Visualization was ke hum jo data hai, उसको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन में किस तरह से कन्वर्ट करके देखते हैं या लिखते हैं या उससे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन मशीन्स और ऑन कंप्यूटर्स. विजुअलाइजेशन हमने देखा था कि दो तरह की है. उसको एक को हमने साइंटिफिक कहा, विच वाज फॉर एनी पर्पस ऑफ रिसर्च और इंजीनियरिंग में हो सकती है या मेडिसिन में हो सकती है. Then business visualization भी we categorized it के business का जो visualization है वो क्या है. उसमें हम normally जो business related issues हैं, for example we could talk about revenues, we can talk about expenses, और उन चीजों को if we orient और हम represent करते हैं graphically, तो दैट वुड बी समथिंग जो कि बिजनेस विजुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा होगी. देन वी टॉक्ड अबाउट इमेज प्रोसेसिंग, इन विच वी सेड के इमेज प्रोसेसिंग जो है दैट इज द एरिया जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ ओवरलैप करता है. और उस में हम ये देखते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग जो है वो उस एरिया को टारगेट करता है जहां पे हम इमेज एक्विजिशन की बात इतनी नहीं करते. हमारे पास इमेज ऑलरेडी है और उसकी प्रोसेसिंग है, यानी उसको हम एनहांस कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, यानी उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, या उसका जो मशीन विजन है कि इमेज को देखकर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो क्या है. मशीन जो है वो खुद उसको समझ सकेगी क्या चीज है. जैसे कि हमने रोबोटिक्स के हवाले से बात की कि मोबाइल रोबोट है तो वो उसको रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये ऑब्स्टिकल है, आई शुड अवर्ट माय जो पाथ है उसको मुझे चेंज कर लेना चाहिए. देन वी टॉक्ड अबाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में वी नो के जो आजकल के हमारे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर ग्राफिकली जो इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं और ग्राफिकली ही ज्यादातर हमें चीजें दिखाते हैं. जो सॉफ्टवेयर्स हैं दे गिव अस इंफॉर्मेशन, यानी मेन्यूज हैं, उनके टूल बार्स हैं, एवरीथिंग हैज यानी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन्स और अबाउट द टूल्स जो कि हम गुईज को यूज करते हैं. दे मेक आवर प्रोग्राम्स वेरी यूजर फ्रेंडली एंड वी ऑल्सो लर्नड के जो मेजॉरिटी ऑफ द कोड है दैट इज नॉर्मली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड वेयर that is the point where the job of programmer jo hai that becomes even difficult ke apne user interface ko jitna aap friendly banate jate hain utni aapko zyada coding karni padti hai aur zyada scenarios ko maddenazar rakhna padta hai. And after that we started a discussion on डिस्प्ले डिवाइसेज से पहले ग्राफिक सिस्टम्स की हमने बात की, विच वॉज समथिंग सिमिलर टू वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर. यानी उसमें इनपुट डिवाइसेज हैं, वी हैव प्रोसेसर, वी हैव मेमोरी एंड वी हैव आउटपुट डिवाइसेज. आउटपुट डिवाइसेज को हमने स्टार्ट किया कि व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेज इनिशियली, कि उनके ऊपर चूंकि हमें हमारे जो ग्राफिक सिस्टम्स हैं या ग्राफिक्स हैं दे अपीयर ऑन दोज डिवाइसेज जो कि आउटपुट हमें दे रही होती हैं, इसलिए उनको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्चुअली दे डिस्प्ले द इमेजेस और द ग्राफ्स सो दैट
अगर हमें उनके करेक्टरिस्टिक्स का पता है तो हम इस तरीके से ग्राफिक्स को जनरेट करेंगे कि दो जो चीजें हैं दे आर वेरी वेल रिप्रेजेंटेड ऑन द मॉनिटर्स और स्क्रीन्स। जो सबसे पहली डिवाइस हमने डिस्कस की थी या जिसके ऊपर हमने जिक्र किया दैट वाज अबाउट सीआरटी। सीआरटी जो है बेसिकली इट्स लाइक इट वाज अ चैम्बर एंड देन वी हैड दिस अ कोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और यहां पे वी कैन हैव दिस एरिया जो कि स्क्रीन की तरह है। वी हैव अ फिलामेंट और अ हीटर उसे हम कह सकते हैं हियर एंड वी कैन हैव अ फोकस और इसके अलावा वी हैव दीज एक्स एंड वाई प्लेट्स जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करती हैं एंड इट बेसिकली हिट्स द स्क्रीन। एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड इन दिस बिग ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब को के अंदर एक्चुअली देर इज अ वैक्यूम। हम इसको बेसिकली कंटिन्यू करेंगे टुडे, बट जो हमने लास्ट टाइम चीजें देखी थी उनको थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश कर रहे हैं। एक्स वाई जो प्लेट्स हैं, द एक्स प्लेट्स जो हैं दे एक्चुअली कंट्रोल द मोशन जो कि लेफ्ट राइट मोशन है ऑफ दिस बीम, और जो मोशन वर्टिकल है दैट इज कंट्रोल्ड बाय वाई प्लेट्स जो कि इसके इस पाथ में अवेलेबल है। दिस पार्ट जो फोकस करता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द दिस फिलामेंट, इनको फोकस करके एक लाइन एक शार्प बीम में कन्वर्ट करता है। एंड देन दिस स्क्रीन का जो इंटीरियर है दैट इज कोटेड विद फास्फर्स। फास्फर्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके साथ जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो दे एमिट लाइट, और उसकी जो लाइट है दैट इज बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन कि हाउ स्ट्रांग दैट बीम इज और कितनी अरसे के लिए वो बीम जो है वो उसके साथ टकरा रही है। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन डिस्प्ले डिवाइसेस इन विच वी विल आल्सो सी द कलर डिवाइसेस, कलर डिस्प्लेज एंड दीज रास्टर डिस्प्लेज एंड फ्रेम बफर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन सीआरटी दैट फिलामेंट दैट एक्ट्स एज हीटिंग एलिमेंट and electrons emit from it in the form of beam. Yani filament mein se electron jo hai wo beam ki form mein nikalte hain. If we need to focus them we can do that. Electrons move towards positive plate which is anode. A focusing cylinder ke through wo pass karke basically ये दे मूव टूवर्ड्स एनोड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्योंकि जो फिलामेंट है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड, जहां से यहां पे नेगेटिव है और जो स्क्रीन है दैट हैज पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दे विल ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। Vertical and horizontal deflection plates have magnetic fields in between them and control the position of electron beam. Yani left se right tak aur top se bottom tak beam ek hi hai jo ke us screen ko scan karti hai aur usko usi scanning ko hum basically देखते हैं कि उसकी ब्राइटनेस जो है दैट रिमेन्स देयर फॉर सम टाइम, और उसी ब्राइटनेस के कम या ज्यादा होने से या कम्बिनेशन से जब हम कलर्स जनरेट कर लेते हैं तो कलर से वी कैन सी कि यहां पे बेसिकली एक इमेज है। अदरवाइज इफ वी सी इट एज अ पॉइंट तो
जो एक वक्त में वी ऑलवेज हैव अ जस्ट वन पॉइंट. बीम स्ट्राइक्स फॉस्फर कोटिंग ऑन द फ्रंट ऑफ ट्यूब प्रोड्यूसिंग इल्यूमिनेशन. यानी फॉस्फर कोटिंग जो है उसके साथ जब बीम टकराती है तो उससे लाइट इमिट होती है, लाइट पैदा होती है. स्ट्रांगर द बीम ब्राइटर इज द स्क्रीन. जितनी बीम जो है वो स्ट्रांग होगी उतनी ही जो स्क्रीन है वो ब्राइट होगी. सो लॉन्गर द बीम स्टेज ऑन अ पॉइंट ब्राइटर इज द स्क्रीन. यानी किसी एक पॉइंट पे मुसलसल बीम जो है वो करती रहेगी तो वो ज्यादा ब्राइट होगा एंड इट माइट बर्न दैट पॉइंट अगर हम बहुत ज्यादा वक्त के लिए एक ही जगह को फोकस्ड रखें तो. कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखें कि इट्स अ मैसिव इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. यानी उसके अंदर वैक्यूम होता है. अगर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल. उससे कोलिजन इतने बढ़ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट एबल टू रीच द एनोड या उस तरह से नहीं पहुंचेंगे जैसा कि पहुंचने चाहिए. कैपेबिलिटीज ऑफ सीआरटी आर मेजर्ड बाई द साइज ऑफ द ट्यूब, ब्राइटनेस ऑफ द फॉस्फर विद वर्सेज डार्कनेस ऑफ द ट्यूब. यानी उसके ब्राइटेस्ट स्पॉट से और डार्केस्ट स्पॉट जो होगा वो कैसा होगा. बेसिकली दैट वुड बी समथिंग जो कि हमें सीआरटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा. देन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, वहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं. एंड देन डायमीटर ऑफ बीम, यानी बीम कितनी शार्प है. जितनी शार्प होगी उतनी क्रिस्प इमेज हम बना सकते हैं. पिक्सल्स, अब उसके ऊपर जो फॉस्फर एलिमेंट्स हैं इफ दे आर स्मॉलर, इसका मतलब है कि द पिक्चर वुड बी क्रिस्प. अगर पिक्सल्स या पिक्सल इज बेसिकली पिक्चर एलिमेंट. पिक्चर एलिमेंट, तो पिक्चर एलिमेंट जो है अगर वो छोटा है तो इसका मतलब है कि वो जगह जो है वो ज्यादा हम उस चीज को, यानी सारे पिक्चर एलिमेंट्स छोटे हैं तो उसे हम ज्यादा अच्छी और क्रिस्प पिक्चर बना सकते हैं या शार्प पिक्चर बना सकते हैं. जो डिसएडवांटेजेस हैं वो एक तो साइज इनके हैवी हैं. यू कैन योर सेल्फ कंपेयर सीआरटीज, यानी सीआरटी बेस्ड मॉनिटर्स जो हैं उनको आप एलसीडी स्क्रीन्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो यू विल सी के उसमें साइज ऑफ द ट्यूब जो है दैट इज ह्यूज एज कंपेयर टू सीआरटी. देन दे कंज्यूम लॉट मोर पावर देन एलसीडीज. अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये एक्चुअली दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर. देन फ्लिकरिंग इज समथिंग जो जिसमें अगर आपने देखा हो कभी तो ऐसे लगता है जैसे इमेज जो है वो थोड़ी स्टेबल नहीं है. इमेज तो क्लियरली नजर आ रही होती है लेकिन उसको या इमेज कांप रही है या इमेज में ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है. तो दैट इज समथिंग जिसको कि हम फ्लिकरिंग कहते हैं. तो फ्लिकरिंग जो है दैट इज अ प्रॉब्लम जो कि सीआरटीज में हमें मिलती है और उसको हम रिमूव करते हैं बाय रिफ्रेशिंग अगेन एंड अगेन. जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा विच इज नॉर्मली फ्रॉम 50 to 80, आप अगर कभी अपने मॉनिटर के कंट्रोल पैनल पे जाके देखें तो उसमें एडवांस सेटिंग्स में यू कैन सी एडवांस्ड सेटिंग्स और उसमें एक यू विल सी रिफ्रेश रेट. एक कंट्रोल आपको मिलेगा रिफ्रेश रेट का विच इज 60, 70, 72 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 50 के भी नॉर्मली अवेलेबल होते हैं. तो दीज आर द रिफ्रेश रेट्स फॉर एग्जाम्पल दैट आर अवेलेबल. तो वो इस रेंज में अवेलेबल होते हैं. तो 60 से ऊपर जब रिफ्रेश रेट जाता है तो जो फ्लिकरिंग है दैट गेट्स
eliminated, और जो इसकी कास्ट है दैट इज मोर, यानी रिफ्रेश हम जितना ज्यादा बार करना चाहेंगे उतना हमारा सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव होता जाएगा. सो अब इसमें सीआरटी में ऑब्वियसली सिंस वी आर यूजिंग फास्फर्स, तो फास्फर्स के करेक्टरिस्टिक्स भी हमें थोड़े से आइडिया होना चाहिए. फ्लोरिसेंस एक जो फिनोमिना है वो ये है कि जब लाइट इज एमिटेड वाइल फास्फर इज बीइंग स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस वक्त इस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्ट्राइक टू दिस फास्फर, तो यहां से कुछ लाइट जो है दैट विल बी एमिटिंग, तो इसको हम फ्लोरिसेंस कहते हैं. हम इस लाइट को रिमूव कर देते हैं, यानी लाइट यहां से हट जाती है फिर भी यहां से कुछ ना कुछ लाइट जो है वो निकल रही है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड फास्फोरिसेंस. फास्फोरिसेंस इज द लाइट, यानी फिनोमिना ऑफ द इमिटिंग लाइट वंस इलेक्ट्रॉन बीम इज रिमूव्ड. और परसिस्टेंस जो है दैट इज द टाइम फ्रॉम द रिमूवल ऑफ एक्साइटेशन टू द मोमेंट व्हेन फास्फोरिसेंस हैज डिकेड टू 10% ऑफ द इनिशियल लाइट आउटपुट. यानी अगर पहले हमारे पास जो उसकी ल्यूमिनेंस है या ब्राइटनेस है दैट वाज 100, तो जब वो 90 पे चली जाएगी तो उस वक्त हम वो उस टाइम को कहेंगे कि इसकी परसिस्टेंस जो है वो इतनी है. इसका मतलब है कि 90 से जो बिलो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. 90% से बिलो जो फास्फोरिसेंस है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. तो 90% होने से पहले पहले हमें उस चीज को रिफ्रेश कर देना चाहिए. तो जितनी जल्दी हम रिफ्रेश करेंगे उस पिक्सल को या उस एरिया को उतनी हमारी जो इमेज है वो बेहतर नजर आएगी और फ्लिकरिंग जो है दैट विल बी मिनिमम. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ये फील्ड है या ये जो सीआरटी है ये डिस्प्ले कैसे करता है. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है दैट क्रिएट्स ओनली वन डॉट ऑन अ स्क्रीन, लाइक दिस इज अ स्क्रीन, तो इसके ऊपर इट विल क्रिएट जस्ट वन डॉट, क्योंकि बीम है इलेक्ट्रॉन का साइज, यू अंडरस्टैंड के इट्स माइक्रोस्कोपिक और ओनली सबसे छोटा जो पार्टिकल फ्रीली अवेलेबल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम देख तो नहीं सकते. अगर उसका कोई स्पॉट भी हमें नजर आएगा तो वो स्पॉट भी हम अगर इधर भेजेंगे तो वो नजर नहीं आएगा. तो बीम की जो डायमीटर है दैट शुड बी समथिंग जो कि हमें कुछ हिस्सा नजर आए. अब हम करते ये हैं कि वी स्टार्ट स्कैनिंग दिस इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, एंड देन वी कम डाउन. दिस इज द पार्ट वेयर वी डोंट हैव द बीम, और उसके बाद वी विल स्कैन द सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लेट्स से हमारे जो टीवी स्टैंडर्ड है दैट इज कॉल्ड पैल सिस्टम, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है. इसमें अ टीवी हैज 625 लाइन्स. दिस इज कॉल्ड 625 लाइन स्टैंडर्ड एज वेल. अब 625 लाइन्स जो हैं दे आर, इसका मतलब है कि एक फ्रेम में वी हैव 625 लाइन्स एंड द विड्थ इज समथिंग अराउंड 752 है या कुछ उसके, रादर इट्स क्लोज टू 800 पिक्सल्स पर लाइन. कुछ इसमें से जो पिक्सल्स हैं और कुछ लाइन्स हैं दे आर इन द डार्क पार्ट, वो विजिबल नहीं होते, लेकिन टोटल जो लाइंस हैं या टोटल जितने जो पिक्सल्स हैं दे आर दिस मच. तो हम करते ये हैं कि अगर हम इसको सारे को स्कैन करना चाहें तो इसका मतलब है कि वी नीड टू
डू दिस इन सच अ वे कि जो परसिस्टेंस है दैट स्टेज देयर और इमेज जो है वो दैट विल बी विजिबल टू अस. यानी हमने एक स्पॉट से पूरी स्क्रीन को रोशन रखना है ताकि उसकी परसिस्टेंस टाइम के दौरान वी रीच द अगेन एट द सेम पॉइंट. यानी हमने अगर फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो पूरी स्क्रीन को स्कैन करने के बाद वी शुड रीच बैक एट दिस टाइम के परसिस्टेंस जो टाइम है यानी इसकी जो ब्राइटनेस है एक्चुअल वो उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस से 90% लेवल पे चली ना जाए वरना वहां पे डार्क स्पॉट आएगा एंड वी विल नॉट गेट अ गुड क्वालिटी पिक्चर. हमें वो उसमें जर्क्स भी महसूस हो सकते हैं हमें वो वहां पे फ्लिकरिंग भी महसूस हो सकती है. सो लेट्स सी के फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस मच लाइंस दैट इलेक्ट्रॉन बीम हैज टू स्कैन. असल में इसमें से इससे कुछ कम होंगी एंड वी हैव दिस मच पिक्सल्स पर लाइन. तो वी वट वी विल हैव 625 इंटू 800 इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स जो कि हमने स्कैन करने. तो हम करते ये हैं कि इसके दो हिस्से कर लेते हैं इस लाइंस के. जिस तरह के यहां पे इस बड़ी फिगर में दिखाया गया है कि देयर आर ऑड लाइंस यानी जो ब्लू में शो हो रही हैं ऑड लाइंस हैं लाइन 1 लाइन 3 लाइन 5 से 525 लाइन तक. ये बेसिकली दिस वुड बी NTSC स्टैंडर्ड जो कि US में और जापान में यूज होता है. इसके अंदर 525 लाइंस हैं. विड्थ इज ऑलमोस्ट सेम इन बोथ केसेस. सो हम क्या करते हैं कि इस फ्रेम को यानी फ्रेम वी आर कॉलिंग जो एक दफा हमें तस्वीर या शक्ल नजर आ रही है पूरी जो पिक्चर ऑफ होल द स्क्रीन है दैट वुड बी कॉल्ड. जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो फ्रॉम वन कॉर्नर से स्कैन करते हुए पूरी जो नीचे तक एक तस्वीर का हिस्सा है दैट वुड बी कॉल्ड वन फ्रेम. अब इस फ्रेम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं. इट्स लाइक दिस जैसा कि आपको इस इमेज में भी नजर आ रहा है कि जो कुछ ब्लू लाइंस हैं और कुछ रेड लाइंस हैं. ब्लू लाइंस जो हैं दे आर कॉल्ड द ऑड फील्ड और जो रेड लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड इवन फील्ड. यानी हमने उसको उस फ्रेम को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया यानी ईच फ्रेम इज कन्वर्टेड इन इवन एंड ऑड फील्ड्स. यानी इवन जो है दैट इज रेड और ऑड जो है दैट इज ब्लू इन दिस केस. यानी यहां पे इमेज के लिए लिख रहा हूं एक्चुअली ऐसा नहीं होता. यहां पे हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली इसको चूज किया है दिस फिगर को. तो वी स्टार्ट यानी अब हम क्या करेंगे कि अब बजाय इसके कि सारी 525 लाइंस को स्कैन करने के वी विल बी स्कैनिंग ओनली 262 लाइंस. यानी लाइन 1 से हमने स्टार्ट किया 525 विल बी इसका हाफ जो है वो दैट विल बी इक्वल टू अगर 525 को हम 2 पे डिवाइड करें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टू आर 4 एंड वी हैव 2 6 आर
और 262.5 है या 263 आप कह लें, क्योंकि इसमें लाइंस को हाफ हाफ करके वी हैव डन इट इन दैट फॉर्म. तो दिस इज 262.5 आप कह लें, दिस इज 0.5 लाइन यहां पे और 0.5 लाइन जो है वो यहां पे है. और यू कैन से के इट इज 263 लाइंस आर बीइंग स्कैन्ड. तो हम इसको यू स्कैन करते जाते हैं. तो हम करते क्या हैं कि बजाय इसके कि पूरा फ्रेम स्कैन करने के, वंस वी स्कैन दिस ऑड फील्ड एंड देन वी स्कैन दिस इवन फील्ड. हमने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि जो एनिमेशन जैसे हम क्रिएट करते हैं बेसिकली बाय द स्टिल पिक्चर्स, कि अगर एक पिक्चर है उसका असर या किसी भी सीन का जो असर है वो आंख पर तकरीबन 1/10 ऑफ ए सेकेंड के लिए रहता है. 1/10 ऑफ ए सेकेंड में अगर आपके पास दूसरी तस्वीर उसके सामने आ जाती है तो दैट ब्रिंग्स यू समथिंग, कि जैसे वो अभी आपका सीन खत्म नहीं हुआ और अगर उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है तो दैट विल क्रिएट इल्यूजन ऑफ मोशन. तो दैट्स व्हाट बेसिकली इज रिक्वायर्ड ओवर हियर एज वेल, कि अभी पिछला फ्रेम जो है वो खत्म ना हुआ हो तो हम दूसरा फ्रेम डाल दें. अगर हम 60 का पूरा जो फील्ड है इसको पूरे के पूरे को स्कैन करें और ये यानी 525 लाइंस को या 625 लाइंस को पूरे के पूरे को हम स्कैन करें एंड देन वी रीच बैक एट द सेम पॉइंट, तो इसका मतलब है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं दे विल बी मच मोर. हमें ज्यादा स्पीड चाहिए, हमें ज्यादा बेहतर कंट्रोल चाहिए. तो हमने उसको एक स्मार्ट तरीके से कि हम आधी तस्वीर एक मरतबा दिखा रहे हैं, यानी उसकी इवन लाइंस एक मरतबा दिखा रहे हैं और ऑड लाइंस को दूसरी मरतबा दिखा रहे हैं. तो एक्चुअली हम जो स्पीड जो हम मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस एनटीएससी स्टैंडर्ड इट्स ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड्स, इट्स बेसिकली 29.97 फ्रेम्स पर सेकेंड कहा जाता है, बट हम 30 फ्रेम्स पर सेकेंड चल रहे होते हैं. इसका मतलब यह है कि 30 फ्रेम्स में एक फ्रेम में वी हैव टू फील्ड्स, तो इसका मतलब है कि वी आर एक्चुअली मूविंग एट 60 फील्ड्स पर सेकेंड. जो हमारी स्कैनिंग है दैट इज 60 फील्ड्स पर सेकेंड है, और हर फील्ड चूंकि हर दो फील्ड मिलके एक इवन और एक ऑड फील्ड मिलके एक फ्रेम बनाते हैं, तो दैट फ्रेम जो है दैट इज दैट मेक्स अ फ्रेम स्पीड ऑफ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, और उससे हमें अच्छी बेसिकली मोशन और पिक्चर नजर आती है. 1/16 यानी 16 फ्रेम्स पर सेकेंड वुड बी एक्सेप्टेबल, बट उसके अंदर यू माइट फील जर्क्स. These two standards, basically, they have their own frame speed. Like European standard will actually do the same thing. Yani, wo uski jo frame speed hogi, that will be 25 frames per second ya 50 fields per second. This will be in European standard or NTSC ke liye this will be the standard. So this way what we do ke hum we are doing illusion of 60 frames per second by reducing the frame into half. Aur half hum kis tarah karte hain, hum half is tarah nahi karte ke aadhi picture ko यानी हाफ इस तरह से नहीं हमने किया कि अपर हाफ और लोअर हाफ या राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, इस तरह से भी हमने उसको हाफ नहीं किया या डायगनली भी हाफ नहीं किया. हमने हाफ उसको किस तरह से किया है कि हर वक्त हम पूरी पिक्चर ही देख रहे हैं, और हम चूंकि टीवी को इतने फासले से देख रहे होते हैं, हम आधी पिक्चर देख के भी हमें वो पूरी पिक्चर ही महसूस होती है. इट्स नॉट समथिंग कि हमें वो आधी पिक्चर नजर आ रही होती है या उसमें कोई क्वालिटी का फर्क होता है.
तो उस क्वालिटी को दैट इज बेसिकली इम्प्रूव्ड. तो ये जो सारा फिनामिना है कि जिसमें हम इवन और ऑड फील्ड्स को स्कैन करते हैं, और इवन एंड ऑड फील्ड्स आर लाइक अमर्स्ड इन ईच अदर लाइक दिस, तो इस चीज को हम इंटरलेसिंग कहते हैं. कि वी बेसिकली स्कैन दिस रास्टर, सारे का सारा जो स्क्रीन है उसको हम इंटरलेसिंग इंटरलेस्ड मेथड से स्कैन करते हैं. डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट्स जो हैं दे आर लाइक अभी हमने जिक्र किया कि वी हैव 525 लाइंस एंड 480 पिक्सल्स पर लाइन और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड दिस इज इंटरलेस्ड. यहां पे PAL system, this is basically used in US and Japan. ये European standard है जो कि in rest of the world use हो रहा है. और इसमें we have 625 lines, 480 pixels per line and we have this 25 frames per second. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो डेटा रेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा. इसमें लाइन्स अगर ज्यादा हैं तो इसमें फ्रेम रेट ज्यादा है, तो डेटा रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम हमें चाहिए. ऑलमोस्ट यू कैन डू दिस कैलकुलेशन. Like if we multiply all these three values, so we will almost get the same number. Then we have this VGA standard, which is 640 by 480 and 60 frames per second non-interlaced. ये हमने computers में, यानी ये जो है ये सिर्फ TV में use हो रहे हैं. Monitors जो हैं they are using these standards जिसमें VGA है which is 640 by 480 or 60 frames per second, yani refresh rate iska. Isme refreshing karte hain hum baqaida aur 60 frames per second pe chal rahe hote hain at least. SVGA jo hai that has 800 pixels per line and 600 basically 800 by 600 ka ye standard hai aur isme 60 frames per second at least non interlaced ye bhi hum यूज कर रहे होते हैं. एंड देन देर आर अदर स्टैंडर्ड्स जो कि जिनको आप हाई डेफिनेशन HDTV के तौर पे लेते हैं, दे आर आल्सो देयर. इनमें बेसिकली जो एस्पेक्ट रेशियो है वी विल कवर एट सम टाइम. एस्पेक्ट रेशियो वुड बी कि कितनी विड्थ है और कितनी हाइट है इस इमेज की. वो 4:5 जो है दैट इज इन दीज फॉर्मेट्स जो है वो तकरीबन चलती है. लेकिन जो HDTV है उसमें 16:9 है एंड समटाइम्स इट इज टेकन एज 2:1. यानी विड्थ ऑफ द स्क्रीन अब आप देख रहे हैं आजकल जो नॉर्मली यू वुड हैव सीन दो स्क्रीन्स या सिनेमास्कोप जिसे हम कहते हैं, तो वो उनकी जो विड्थ है दैट इज मच मोर देन द दोज जो कि प्रीवियसली यूज हम करते थे. दीज स्क्रीन्स आर अवेलेबल इन योर विद योर मॉनिटर्स में आपको ये साइजेस मिलते हैं 2:1 के. यू डू हैव हाई डेफिनेशन TVs एज वेल और उनके लिए एटलीस्ट यू हैव टू वेट. इन पाकिस्तान में HD अभी वो ट्रांसमिशन जो हैं दे आर नॉट देयर एट एज ऑफ नाउ, बट दे विल बी देयर इन शॉर्ट टाइम जब मार्केट में भी ये चीजें जरा पॉपुलर हो जाएंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन वी हैव RGB 3 इंडिपेंडेंट वीडियो सिग्नल्स एंड सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स वेरी इन रेजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट. यानी RGB 3 जो है वो दैट इज अनदर स्टैंडर्ड जो कि जिसमें हम इंडिपेंडेंट वीडियो सिग्नल्स
three independent video signals, यानी red और green और blue जो है, that is given, और उनमें उनको हम synchronize का मतलब ये है कि उनके combinations, चूंकि हमने दूसरे colors generate करने होते हैं, जब हम अभी color image को देखेंगे, तो उसमें you will be able to learn that a bit better. तो तीन चीजों को आप जब तीनों कलर्स को मिला के देखते हैं तो यू हैव अ डिफरेंट फील ऑफ कलर फॉर ईच कॉम्बिनेशन. तो उनकी रेजोल्यूशन भी और रिफ्रेश रेट जो है वो वेरी करता है. देयर इज नो स्टैंडर्ड कि इसमें इसकी इतनी विड्थ होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा. बट दीज स्टैंडर्ड हैव एवरी जो बाकी के स्टैंडर्ड्स हैं NTSC, PAL, VGA, SVGA और अदर स्टैंडर्ड्स, दे हैव देयर कैपेबिलिटीज. उनकी हर चीज जो है वो डिफाइंड है कि ये चीज ऐसे होगी, इसमें एस्पेक्ट रेशियो ये होगी, रिफ्रेश रेट ये होगा, डेटा रेट ये होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड टाइम मल्टीप्लेक्स्ड कलर जो है उसमें चूंकि यहां पे थ्री डिफरेंट बीम्स सेम टाइम पे चल रही होती है, यहां पे टाइम मल्टीप्लेक्स्ड कलर है. यानी टाइम मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यह है कि किसी वक्त रेड पल्स आ रही होगी, रेड बीम होगी, किसी वक्त ग्रीन होगी, किसी वक्त ब्लू होगी, और उनको हम मल्टीप्लेक्स करेंगे कि जितनी जिसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है उनको, ताकि जो परसिस्टेंस है उसको यूज करके वी कुड जनरेट डिफरेंट कलर्स. तो दीज आर डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट्स जो कि इन यूज हैं. Now let's see के how basically we have the colors. Colors में हमारे पास दो तरह की capabilities हैं, दो तरह के standards हैं. One are called additive colors, और उनमें basic जो colors हैं they are red, green and blue. और समटाइम्स अ वाइट इज एडेड टू देम जस्ट टू बी इन कंसिस्टेंस विद दीज सब्ट्रैक्टिव कलर्स, जिनको के हम येलो, सयान, मेजेंटा एंड ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं. एडिटिव कलर्स जो हैं दे आर यूज्ड इन बेसिकली डिस्प्लेज में आपने देखा होगा आरजीबी स्टैंडर्ड्स, और तो थोड़े से ज़्यादा पुराना टीवी हो तो उसमें ये तीनों कलर के आइकॉन्स भी नीचे स्टिक हुए हुए टीवी पे नजर आ रहे होते हैं, आरजीबी टाइप के. तो बेसिकली इसमें होता ये है कि वी कैन मिक्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कलर्स और उससे नए कलर हम जनरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ रेड और ग्रीन जो है वो दैट इज मिक्स्ड, तो वी हैव येलो कलर्स. और अब अगर हम इनकी जो रेशियो है वो चेंज करना शुरू कर दें कि रेड अगर ज्यादा होगा तो वी विल हैव एन ऑरेंज सॉर्ट ऑफ कलर. यानी पहले वो उसमें गोल्डन टच आएगा और गोल्डन से फिर इसमें बेज और देन ऑरेंज और देन रेड. Similarly, if we are going towards this green, तो हम red से orange, orange से golden और golden से फिर yellow की तरफ move कर रहे होंगे. Similarly, if we have this blue and green, अगर equally mix करेंगे तो we have cyan color, जो कि आप जिसको sea green type color होता है, जो समुंदर का रंग जैसे होता है, या फेरोजी टाइप कलर जो है उसको, दैट इज जनरेटेड बाय मिक्सिंग बोथ इन इक्वल क्वांटिटी. तो अगर आप किसी एक की जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि उसमें ग्रीनिश टच ज्यादा आ जाएगा या ब्लूइश टच ज्यादा आ जाएगा. सिमिलरली जो रेड और ब्लू हैं इनको अगर आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें तो यू हैव मेजेंटा कलर. मेजेंटा कलर जो है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ पर्पल, पर्पलिश सा कलर है. वो ज्यादा पर्पल होगा इफ यू आर कमिंग टूवर्ड्स ब्लू,
और कम होता जाएगा और पिंक से होता हुआ ये तकरीबन रेड की तरफ जाएगा और दिस इज हाउ आप उनको मिक्स करके देख सकते हैं. इफ यू गो टू बेसिकली कलर सिलेक्शंस जहां पे कस्टम कलर्स आप बनाते हैं इन मे बी कि अगर आप फॉन्ट के कलर्स ही चेंज करना चाहें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में या किसी और चीज के, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस और उसको आप एज एक्सपीरियंस देख सकते हैं. क्योंकि उसमें वन मेथड इज के आप कलर के ऊपर मूव कर सकते हैं कर्सर को, ठीक है ना. यू कैन सिलेक्ट वो डिफरेंट शेड्स दिए हुए हैं यहाँ पे ग्रीन से स्टार्ट होके और सारे कलर्स हैं, आप कहीं पे भी क्लिक करें तो वो कलर जो है दैट इज हाईलाइटेड इन द बॉक्स. बट यू कैन आल्सो डू कि उसके अंदर एक रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज लिखी होंगी जो डिपेंड करता है कि इसका साइज जो है, अगर 8 बिट हम यूज कर रहे हैं तो 255 तक की वैल्यूज इनके अंदर आप दे सकते हैं. अगर आप इनकी मैक्सिमम वैल्यूज देंगे तो यू विल सी कि आपके पास एक वाइट कलर आएगा. अगर आप मैक्सिमम के अलावा कोई भी इक्वल वैल्यूज देंगे जीरो और मैक्सिमम के अलावा तो यू विल हैव ग्रे, जो कि जिसकी जो ग्रे की जो डार्कनेस है दैट विल डिपेंड कि वो जीरो के ज्यादा करीब है या मैक्सिमम वैल्यू के ज्यादा करीब है. और अगर आप इनमें से एक कलर को छोड़ देंगे दैट डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, वो जीरो है, और बाकी दो कलर से आप बनाएंगे तो यू कैन जनरेट दीज येलो, सयान, मेजेंटा और इनके डिफरेंट शेड्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन. सो यू कैन बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑन योर कंप्यूटर, दैट विल नॉट डैमेज एनीथिंग, बट यू कैन सी के वो बॉक्स जो है उसका कलर जो है वो किस तरह से चेंज होता है. इफ यू डू एवरीथिंग 000 तो ये जो कलर आपको मिलेगा दैट विल बी ब्लैक. सिमिलरली वी हैव सब्ट्रैक्टिव कलर्स. सब्ट्रैक्टिव कलर्स जो हैं दे आर यूज्ड इन प्रिंटिंग. इसमें कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि हम उसमें एडिशन कर रहे हैं, इसमें अगर हम इफ वी रिमूव एवरीथिंग यानी सारी लाइट उसमें से निकाल दें तो हमारे पास ब्लैक बन जाएगा. यानी उसमें हम क्या कर रहे थे कि अगर सब कुछ डाल दें तो वी विल गेट अ वाइट, और अगर हम सब कुछ निकाल दें तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए विच इज ब्लैक, तो दिस विल जनरेट अ ब्लैक कलर. इसी तरह से अगर येलो में से वी रिमूव रेड तो हमें ग्रीन मिलेगा, अगर हम उसमें से ग्रीन रिमूव करते हैं तो रेड मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसमें यू कैन सी के दीज आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के उलट हैं. दीज कलर्स आर कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, यानी जो कलर अब हम उसमें जैसे इफ यू हैव सीन द नेगेटिव्स, आजकल तो नेगेटिव्स का दौर भी खत्म हो गया, लेकिन इफ यू सी कलर्ड नेगेटिव तो उसमें यू कैन ऑब्जर्व कि जो ब्लू है दैट विल बी अपियरिंग एज येलो, ग्रीन जो है दैट विल बी अपियरिंग एज मैजेंटा, एंड रेड जो है दैट विल बी अपियरिंग एज सयान, एंड डिफरेंट शेड्स उसके उस तरह से टोनिंग उसकी होगी. तो नेगेटिव कलर्स एक दूसरे के, यानी वो नेगेटिव जो है वो उस तरह हम उसको कहते हैं जो उन दोनों बाकी, यानी ब्लू का नेगेटिव वो होगा जो बाकी दो के कॉम्बिनेशन से बनेगा. एंड सिमिलरली अदर्स. सो दिस इज द बेसिक ऑफ कलर्स. कलर्स में बेसिकली जब इफ यू गो इन टू द डिटेल हम इसकी जो आई की परसेप्शन है उसको भी देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस.
कि आंख जो है वो कलर्स को किस तरह परसीव करती है और लाइट को किस तरह से परसीव करती है, वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे. बट यू विल लर्न अबाउट कलर्स मोर इन इफ यू गो इनटू इमेज प्रोसेसिंग एंड सो ऑन. उसमें कलर इमेज प्रोसेसिंग की जब आप बात करेंगे तो यहां पे एक और फॉर्मेट जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, दे आर उनको मैं ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा विद आई, बट दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन विजुअल सिस्टम. कि हमारी आंख किस तरह से चीजों को परसीव करती है, किस तरह से देखती है, उसमें वी हैव एच एस आई यानी ह्यू है, सैचुरेशन है, एंड इंटेंसिटी है. ह्यू इज एक्चुअली कि आप किसी भी चीज को देखते हैं तो पहला कलर जो है वो आपको कौन सा नजर आता है, यानी उस कलर को आप, यानी उस कलर को आप किस कैटेगरी में, यानी किस कलर की कैटेगरी में डालेंगे. इट विल बी रेड, ग्रीन, ब्राउन, वट एवर. आप किसी कलर को देख के जब कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस समथिंग इज ब्लैक एंड दिस इज ब्लैक टू एंड देर आर सम ब्लैक शेड्स इन माई टाई एज वेल एंड मे बी यू कैन सी सम ऑफ माई ब्लैक हेयर एज वेल. ऑल दीज को देखकर हम पहली नजर में यही कहेंगे कि ये ब्लैक हैं. बट मे बी कि आप मेरे कोट को भी ब्लैक ही कहें. अनफॉर्चुनेटली आई एम ड्रेस्ड लाइक दैट कि आपको मैं दूसरी एग्जाम्पल नहीं दे सकता, बट कोई और कलर जो है अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम यानी पहली नजर में उस कलर को कहेंगे तो वो कलर जो होगा दैट विल बी, जैसे इसी स्लाइड में यू कैन सी कि सयान और ब्लू जो है यू कैन, दोनों को पहली नजर में आप ब्लू कलर के तौर पे ले सकते हैं कि एक कलर लाइट ब्लू है, एक कलर डार्क ब्लू है. तो उस कलर को यानी उसकी जो बेसिक जो पहला आप जो असाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यू. सैचुरेशन है हाउ मच दैट कलर इज सैचुरेटेड, यानी कितना गाढ़ा रंग है. उसकी सैचुरेशन अगर हाई होगी इसका मतलब है कि उसके अंदर व्हाइट लाइट की मिक्सिंग जो है वो कम है. जैसे हम कहते हैं ना लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो जो डार्क कलर्स हैं उन दे आर मोर सैचुरेटेड. तो उनकी जो सैचुरेशन है दैट इज समथिंग दैट वी टेल. और आई इज द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज दैट पार्ट ऑफ द कलर जिसमें हम सिर्फ उसकी ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं. और दैट इज वेयर, दैट इज द पार्ट वेयर ऑल द कलर्स हैव सेम कंट्रीब्यूशन. नॉर्मली अगर हम इसको देखें एज अ क्यूब, यू माइट हैव सीन दिस बिफोर. इफ आई हैव दिस थिंग जिसमें कि यहां पे मेरा ओरिजिन है and I have this as a red axis, this as a blue axis and this as green axis. तो मैं अगर ये दो edges को मिलाऊं, यानी एक बिल्कुल ऐसा corner, ऐसे corners को मिलाऊं जो origin से, यानी अगर मैं इनको value assign करूं कि 0 0 0 से यहां पे I am having 1 1 and 1, तीनों values जो 1 हैं, तो इस ये जो लाइन होगी दैट विल बी अ ग्रे लाइन, जो कि टोटली इसमें अंदर कोई कलर नजर नहीं आएगा. दैट इज जस्ट टेलिंग अस द इंटेंसिटी. और इस इंटेंसिटी जो है यहां पे सारी की सारी वैल्यूज जो हैं दे आर इक्वल, जो कि हम जब एडिटिव कलर्स की बात कर रहे थे तो उस वक्त हम ये कह रहे थे
कि अगर हम इक्वल अमाउंट में इन कलर्स को मिला दें तो दे विल बी आइदर ब्लैक अगर जीरो है और दे विल बी ग्रे और दे विल बी वाइट अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पे है. तो दैट इज समथिंग जो कि इंटेंसिटी जो है दैट इज हमें इस लाइन के ऊपर मिलती है. जो ह्यू एंड सैचुरेशन है दे आर क्लासिफाइड और उनकी फाइंडिंग वैल्यूज जो है वो दैट इज समथिंग डिफरेंट. वो हम लेटर किसी स्टेज पे उसको डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज मेनली अबाउट कलर्स कि हम कलर्स को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं देखते हैं. एंड प्रिंटिंग में इट्स अपोजिट कि हम उसमें से कलर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इफ वी सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग वी गेट ब्लैक एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट ब्लू फ्रॉम दोज कलर्स तो हमें ब्लैक हमें येलो मिलेगा. इफ वी सब्ट्रैक्ट मेजेंटा तो वी विल बी गेटिंग ग्रीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कलर डिस्प्लेज में अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम की बात करें तो जो बीम है उसमें वी हैव थ्री डिफरेंट गन्स. लाइक वी हैव अ ब्लू गन, वी हैव अ ग्रीन गन एंड वी हैव अ रेड गन जो कि इस शेडो मास्क में से पास कर रही हैं. दे आर देन वी हैव अ ट्राइएड जो कि यानी पहले फास्फर था हमारे पास जो सिर्फ ब्राइटनेस शो कर रहा था. अब जो ब्राइटनेस है दैट इज के वो उस कलर को यानी उन तीनों के यानी अगर रेड गन आके टकरा रही है तो इट विल शो रेड डॉट. ग्रीन जो है दैट विल शो ग्रीन डॉट एंड ब्लू विल शो ब्लू डॉट. लेकिन वो डॉट्स इतने करीब हैं दे आर लाइक जस्ट सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर के वो एक ही पिक्सल है जो कि उसकी तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज को शो कर रहे हैं. अब जब इनकी इंटेंसिटीज को वी कैन कंट्रोल टू जनरेट एक्चुअल कलर जो कि हमारे पास है तो व्हाट वी विल सी के अगर हम उसमें से रेड को बिल्कुल जीरो कर दें तो ब्लू एंड ग्रीन विल गिव अस अ साइयान कलर. और अगर हम वो उसमें कलर्स डाल के देखना चाहें कि इतनी परसेंट कलर ये हो इतने परसेंट ये हो तो दैट आई हैव टोल्ड यू कि आप उसकी एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं. आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के यू कैन जस्ट प्ले विद दैट कौन सा कलर किस कॉम्बिनेशन से किस तरह का कलर निकलेगा. तो कलर डिस्प्लेज जो हैं दे विल जस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन बीम दे विल बी यूजिंग थ्री बीम्स इन रेड ग्रीन एंड ब्लू और उनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज की मदद से वी कैन क्रिएट एनी कलर क्योंकि उन ही तीन प्राइमरी कलर्स की बेसिस पे हम सारे कलर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं. उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं वो हम यूज करते हैं. ये तो था एक स्कैन टाइप डिस्प्ले ना हम लेफ्ट कॉर्नर से चलते हैं और अब हम रास्टर की बात करते हैं कि रास्टर डिस्प्लेज जो हैं वो क्या है. दीज बेसिकली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस देते हैं कि एक साइड से हम शुरू करके तो दूसरी साइड तक जाते हैं. जो अभी तक हम देख रहे थे उसमें वी मे नॉट बी कवरिंग होल स्क्रीन एक छोटे से पार्ट पे. जैसे अगर आपने ऑसिलोस्कोप पे देखा है तो ऑसिलोस्कोप पे पूरी स्क्रीन जो है वो स्कैन करने की जरूरत नहीं होती. एक बीम है वो चल रही है बस वो आपको उसको कहीं पे भी कंट्रोल आप उसका दिखा सकते हैं. बट ऑन टीवी ऑन डिस्प्लेज इट विल बी कि होल स्क्रीन जो है दैट विल बी अवेलेबल. तो उस तरह की जो डिस्प्लेज हैं उनको हम रास्टर डिस्प्लेज कहते हैं. लाइक टेलीविजन स्कैन्स ऑल पिक्सल्स इन रेगुलर पैटर्न. अभी हमने एक्सप्लेन किया कि टेलीविजन पे किस तरह से पिक्सल्स जो हैं दे आर वो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं एंड वी गो टू द राइट एंड देन वी डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अगर रास्टर स्कैन नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पे जैसे एक छोटी सी यानी डिस्प्ले जो है वो तो हमारा यूं है पूरा बट वी आर मे बी शोइंग दिस टाइप ऑफ शेप ऑन दैट. बाकी जो है सारे का सारा एरिया इज नॉट बीइंग डन बाई स्कैंड बाई दिस बीम नॉन रास्टर स्कैन में.
तो रास्टर डिस्प्लेज जो हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं दे आर रास्टर डिस्प्लेज. टेलीविजन भी है और जो कंप्यूटर्स हैं दे एक्चुअली यूज फ्रेम बफर विच इज कॉल्ड नाउ वीडियो रैम. अब जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें यू टॉक अबाउट कि इसमें कितनी वीडियो रैम कितनी है इसकी. और दिस बेसिकली इलिमिनेट्स सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स के हमें जब रिफ्रेश करना पड़ता है तो वी जो सिंक है दैट शुड बी डन कि हम हमेशा उसी पॉइंट से स्टार्ट करें और एक टाइमिंग जो है दैट शुड रिमेन सेम. दैट मेक्स बेसिकली रिफ्रेश जो है उसको एक्सपेंसिव बनाता है इन केस ऑफ डिस्प्लेज. बट हम अगर फ्रेम बफर यूज कर रहे हैं यानी एक मेमोरी का एक ऐसा पार्ट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर के पूरे फ्रेम की इमेज रखी हुई है. लाइक इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन से कि वी हैव दिस इमेज ऑफ या एक टू डायमेंशनल एरे है जो कि इस पूरी स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की बात करूं तो इस चीज को समझना जरा आसान होगा. देन वी कैन एक्सट्रापोलेट इट ऑन कलर्स कि लाइक एनी पॉइंट लाइक दिस इज द पॉइंट विच मैप्स मे बी थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं मे बी दिस डॉट यानी इस स्क्रीन का जो छोटा जो मेमोरी में पार्ट है तो वो इस डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर ये एक पिक्सल है तो हम क्या करते हैं कि वी कैन से कि इसको हम जीरो या वन की वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है, अगर ये जीरो होगा तो लेट्स से इट्स ब्लैक और अगर वन होगा तो ये वाइट होगा. इसका मतलब है कि ये जो जहां जहां पे हमें ब्लैक नजर आ रहा है उस जगह पे वी विल हैव द पिक्सल्स जो भी पिक्सल्स हैं उनको हम जीरो कर देंगे, बाकी सारे फ्रेम पे वन पड़ा रहेगा. एंड दिस इज द ग्राफिकल दिस इज द डेटा इमेज ऑफ दैट ग्राफिकल व्यू. और इसको जब हम दिखाते हैं स्क्रीन पे तो जहां जहां जीरो है वो जगह ब्लैक हो जाएंगी और दे विल क्रिएट द इल्यूजन ऑफ दिस के इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. ये तो टेक्स्ट की बात है, अगर ग्राफ्स हों तो वी विल राइट देम लाइक द ग्राफ या उसको हम ऐसे प्रिंट करेंगे. तो इन अर्लियर कंप्यूटर सिस्टम्स देर वर नो वीडियो रैम्स. लाइक इन 1971 क्वार्टर ऑफ MB जो कि आजकल हम जिसको MBs की बात ही नहीं करते, हम GBs की बात करते हैं, इससे ज्यादा वी हैव कैश इन आवर प्रोसेसर. तो ये जो रैम इतनी रैम थी दैट कॉस्टेड $2 million in 1971. If you know about Moore's law, तो उसमें cost और every 18 months जो cost है that gets half और capability जो है that gets doubled. तो वो करते करते अब ये हो गया है कि हम तकरीबन 1 GB RAM जो है that we purchase in like 1,000 rupees. उससे हमारे जो डिस्प्ले क्वालिटीज हैं कैपेबिलिटीज हैं दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. सो जो फ्रेम बफर है दैट इज रास्टर इमेजेस के लिए हमें फ्रेम बफर की जरूरत पड़ती है. फ्रेम बफर इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी डेडिकेटेड टू ग्राफिक्स आउटपुट दैट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ What will be displayed? मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसको हम किस तरह से इसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट अ फ्रेम बफर ऑफ 640 pixels by 480 pixels वी शुड एलोकेट 640 into 480 bits. ठीक है, यानी उसके अंदर वी मस्ट हैव द इमेज यानी यहां से 640 into
480 होना चाहिए. हाउ मैनी कलर्स डज वन बिट गेट यू? एक बिट अगर हो हमारे पास तो कितने कलर्स हम दिखा सकते हैं? सिर्फ दो कलर्स, ब्लैक और व्हाइट. एट बिट्स के साथ हम मे बी के उसके ग्रे लेवल्स दिखा सकते हैं कुछ, कि जीरो बिल्कुल डार्क है, वन जो है वो ब्राइट है, और उसमें वी कैन शो एट ग्रे लेवल्स. यानी 111 जो होगा जीरो से 255 तक, एट बिट्स से हम इतना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसमें 256 ग्रे लेवल्स दिखा सकते हैं. मोनोक्रोम सिस्टम्स में हम ग्रे स्केल्स की बजाय या ग्रे लेवल्स की बजाय हम ग्रीन या येलो भी मॉनिटर्स आपने देखे होंगे जो एक ही कलर में शो करते हैं, तो उनके हम डिफरेंट इंटेंसिटीज जो हैं दे कैन बी शोन. और नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितनी बिट डेप्थ चाहिए. यानी अगर आप ज्यादा रेजोल्यूशन कलर्स की रखना चाह रहे हैं या ज्यादा ग्रे लेवल्स दिखाना चाह रहे हैं, यू कैन हैव 16 बिट्स, तो उससे आप 65,535 लेवल्स, ग्रे लेवल्स दिखा सकेंगे. अगर आप कलर इमेजेस दिखाना चाह रहे हैं तो यू कैन हैव 1 byte फॉर ईच कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो 24-bit ट्रू कलर पिक्चर आप बना सकते हैं. उसमें हर कलर के 255 लेवल्स हैं, उनके डिफरेंट वैल्यूज को आप ऐड करके यू कैन जनरेट डिफरेंट कलर्स. तो इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन के आप उसकी जो डेप्थ है वो क्या रखते हैं. इट कैन बी 1 bit, इट कैन बी 1 byte, इट कैन बी 3 bytes, इट कैन बी 4 bytes एज वेल. आप ज्यादा कलर्स आप उसमें 10-10 bits आप यूज करना चाहें एक कलर के लिए, यू कैन यूज इट. यू कैन यूज इवन मोर. दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू द एप्लीकेशन, दैट इज अप टू द यूजर कि वो उसकी कितनी डेप्थ जो है वो रखना चाह रहा है. नंबर ऑफ बाइट्स इन अ फ्रेम बफर विल बी 640 इंटू 480 इंटू 3. अगर हम कलर डिस्प्ले की बात करें, यानी अगर ट्रू कलर की बात हम करते हैं, इट्स 24-bit ट्रू कलर. दिस वे वी कैन कैलकुलेट मेमोरी ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड. यानी हमें एक फ्रेम के लिए अगर इतनी मेमोरी चाहिए तो वी मस्ट, दैट इज द मेमोरी विच अ फ्रेम हैज. फ्रेम बफर की इतनी मेमोरी होनी चाहिए. अब ये डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर कितनी डेप्थ डालना चाहते हैं. दैट विल इंक्रीज द साइज. अगर 4 bytes कर दें तो साइज और बढ़ जाएगा, 5 कर दें तो और बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दैट इज व्हाट बेसिकली वी हैड टू डिस्कस टुडे. सो टू समराइज टुडेज लेक्चर, वी कंटिन्यूड आवर डिस्कशन ऑन CRTs. CRTs के बारे में हमने देखा कि इट हैज एन इलेक्ट्रॉन गन जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इमिटेड वाइल वी हीट इट, और उसको हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं. दे मूव from that point to the screen under the influence of electric field, जो कि क्रिएट किया जाता है by providing positive charge to the screen, जो कि फॉस्फर से उसको inner side जो है उसकी covered with the phosphors. इसके अंदर x और y plates जिनके अंदर के magnetic field होता है वो उसकी horizontal और vertical motion जो है, यानी motion along this azimuth and vertical motion जो है उसको control करते हैं. और इन ही की वेरिएशन से वी स्कैन होल स्क्रीन. स्क्रीन जो है उसको दो तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं. यानी वी कैन हैव ओनली जस्ट वन पार्ट, जैसे कि हम ऑसिलोस्कोप्स में, रेडार्स में देखते हैं कि ओनली वन स्पॉट जो है वो हमें कोई एक शेप जो है वो नजर आ रही है, बाकी सारी जगह जो है वो यूज नहीं हो रही. दूसरी टाइप की जो हमने स्कैन देखा था दैट वॉज द रास्टर स्कैन. रास्टर स्कैन जो है उसमें होल स्क्रीन इज स्कैन्ड, और रास्टर स्कैन में जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैं और जो मॉनिटर्स हैं दे यूज
इंटरलेस्ड टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम एक फ्रेम को दो फील्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक इवन फील्ड कहलाता है, एक ऑड फील्ड कहलाता है। तो एक दफा हम इवन फील्ड दिखाते हैं, दूसरी मरतबा ऑड फील्ड दिखाते हैं, और उससे हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं ऑफ 60 और 50 फ्रेम्स पर सेकंड, जो भी स्टैंडर्ड हमारा चल रहा हो। तो बेसिकली दैट इज क्रिएशन ऑफ एन इल्यूजन ऑफ 60 फ्रेम्स पर सेकंड, जबकि हम एक्चुअली 60 फील्ड्स दिखा रहे होते हैं। फ्रेम जो रेट है हमारा, दैट टर्न्स आउट टू बी 25 और 30 फ्रेम्स, डिपेंडिंग अपॉन विच स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमने अभी तक डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में क्या कुछ सीखा। We will continue our discussion on other display systems. हम movie systems की बात करेंगे कि movies जो हैं वो किस तरह से उनके क्या standards हैं। We will talk about LCDs and other displays, और उसके बाद we will continue in the same direction for the other devices and other concepts as well. So it's goodbye from me today, and we will see you in the next class. Soon. Allah Hafiz.